हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विद सूर्यवंशी। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच की लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रेपोजिशन इन और एट को। इन और एट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस हैं जो कि यूजुअली यूज़ की जाती है, मोस्टली यूज़ की जाती है। दो और प्रेपोजिशन को हम आज स्टडी करने वाले हैं, वो हैं ऑन और ऑफ। जी हाँ, ऑन और ऑफ, ये दो हैं। ऑन ऑफ, दो प्रेपोजिशन को स्टडी करने वाले हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आमतौर पर बहुत ही ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। तो चलिए करते हैं प्रेपोजिशन ऑन और ऑफ को स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑफ की। ऑफ का यूज़ कहाँ कैसे कैसे किया जाता है, कहाँ कहाँ किन किन स्थितियों में हम ऑफ का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए, ऑफ का यूज़ से के अर्थ में, से के अर्थ में कारण के भाव को अभिव्यक्त करने में होता है। इसका क्या अर्थ है, देखिए ये जो से शब्द है ना, अगर से कहीं पे आ रहा है, किसी सेंटेंस में से आ रहा है, तो वहां पर जो है ये कारण के भाव को अभिव्यक्त करता है, यानी किसी चीज का कारण, किसी चीज का कारण, ठीक है। तो कारण के भाव को, जो कारण है उसके भाव को, उसके सेंस को अभिव्यक्त करता है। देखिए एग्जाम्पल से आप बेहतर समझोगे। देखिए, शी डाइड ऑफ फीवर, वह बुखार से मर गई, या फिर उसकी मृत्यु बुखार से हुई, ठीक है। शी डाइड ऑफ फीवर, वह बुखार से मर गई। तो यहाँ पर जो ऑफ है इसका इस्तेमाल से के लिए किया गया है, ना कि का के लिए। मेनली जो सामान्यता अगर देखा जाए तो ऑफ का उपयोग का के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर से के लिए किया गया है। किसके लिए, से के लिए किया गया है। शी डाइड ऑफ फीवर, यानी वह बुखार से मर गई। नेक्स्ट देख लीजिए, शी डाइड ऑफ मलेरिया, वह मलेरिया से मर गई, वह मलेरिया से मर गई। तो यहाँ पर भी से के लिए ऑफ का उपयोग किया है। हिज वाइफ इज टायर्ड ऑफ वर्क, उसकी पत्नी काम से थक गई या थकी हुई है। इस तरह से आप कह सकते हो, इज टायर्ड ऑफ वर्क। तो यहाँ पर से के लिए क्या यूज हुआ है, यहाँ पर भी हमारा ऑफ ही यूज हुआ है से के लिए। आई एम फोंड ऑफ म्यूजिक, मैं म्यूजिक यानी संगीत का शौकीन हूँ, या मुझे संगीत से शौक है। दोनों के दोनों अर्थ एक ही है, मुझे संगीत से शौक है या मैं संगीत का शौकीन हूँ। तो यहाँ पर ऑफ जो है वो से के लिए यूज हुआ है कि मैं, मुझे संगीत से शौक है, संगीत से शौक है। तो यहाँ पर जो इस वाला जो पहला रूल जो हमारा है, ये हमें बताता है कि हम से के लिए कहाँ कहाँ पर ऑफ का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चार एग्जाम्पल्स आपने देखे, इसको समझिए। अब देखिए, मैंने यहाँ पर बात करी फीवर मलेरिया, यहाँ पर मैंने एक बीमारियों की बात करी। तो हम किन किन बीमारियों से अगर मृत्यु हो जाती है, तो वहाँ हम ऑफ का यूज कैसे कर सकते हैं। देखिए नोट, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु यानी मौत बीमारी, भूख, प्यास, दुख, शर्म के कारण होती है, तो डाय के बाद ऑफ का यूज होता है। यानी कोई व्यक्ति मर गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो किन किन कारणों से अगर मृत्यु हुई है, अगर इन कारणों से मृत्यु हुई है, यानी बीमारी से, भूख से, प्यास से, दुख से, शर्म से, इनमें से किसी भी कारण से अगर मृत्यु हुई है, तो हम यूज करते हैं डाई के बाद ऑफ का। ठीक है, इसीलिए डेफिनेशन में ये बता रहा है कि कारण के भाव को अभिव्यक्त करता है, कारण के भाव को। ये जो कारण है इसका ही तो भाव बताएगा, यहाँ पर ऑफ हमारा कारण के भाव को बताएगा, ठीक है। तो यदि कोई व्यक्ति मर जाता है बीमारी, भूख, प्यास, दुख, शर्म से, तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं ऑफ का। लेकिन आमतौर पर लोग गलती क्या करते हैं, वो फ्रॉम का यूज़ कर देते हैं, वो विद का यूज़ कर देते हैं, वो बाय का यूज़ कर देते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। इनका उपयोग नहीं करना है। इनका कुछ और कारणों से अगर मृत्यु होती है तो वहाँ पर कैसे यूज़ होना है, वो मैं जब इन पे आऊँगा तो बताऊँगा। लेकिन फिलहाल आप ये देखिए कि किन किन बीमारी से मृत्यु होने पर, किन किन कारणों से मृत्यु होने पर हम ऑफ का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑफ का उपयोग हम कर सकते हैं जब इन, यानी कि बीमारी, भूख, प्यास, दुख, शर्म से अगर कोई व्यक्ति मरा है। एग्जाम्पल देखिए, ही डाइड ऑफ ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब होता है दुख। ही डाइड ऑफ ग्रीफ, वह दुख से मर गया, या फिर ही डाइड ऑफ हंगर, वह भूख से मर गया, ठीक है। ही डाइड ऑफ शेम, वह शर्म से मर गया। तो से के लिए यहाँ पर हम ऑफ का उपयोग कर रहे हैं डाय के बाद, ठीक है, डाय के बाद। सो डाय के बाद ऑफ का यूज होता है अगर इनमें से किसी कारण की वजह से मृत्यु हुई है, ये आप बात ध्यान में रख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, ऑफ का यूज में से के अर्थ में होता है। में से मतलब, अब में से को समझिए, आई हैव ईटन वन ऑफ दोज एप्पल्स, मैंने उन सेवों में से एक सेब खा लिया है, तो किन सेवों में से, ठीक है, उन सेवों में से। ये जो में से है वो दो चीजें हैं, तीन चीजें हैं, चार चीजें हैं, अगर उनमें से कोई एक की बात हो रही है, उनमें से कोई दो की बात होती है, कितने की भी बात, लेकिन अगर कहीं पे में से आता है तो वहां पर हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं।
आई हैव ईटन वन ऑफ दोज एप्पल्स, वन ऑफ दोज एप्पल्स. नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल. ठाकुर इज वन ऑफ माई फ्रेंड, ठाकुर इज वन ऑफ माई फ्रेंड. ठाकुर मेरे मित्रों में से एक मित्र है, ठाकुर मेरे मित्रों में से एक मित्र है, यानी उसके बहुत सारे मित्र हैं जो भी हैं, उनमें से एक मित्र ठाकुर है. तो यहाँ पर भी में से यूज हुआ, क्या हुआ, में से यूज हुआ. तो में से के लिए हमने यहाँ पर क्या यूज किया, ऑफ यूज किया. तो हमने देखा यहाँ पर से के लिए कैसे कैसे उपयोग करते हैं ऑफ का, और अगर मृत्यु किस कारण से, अगर इन कारणों से हो रही है तो हम वहां पर ऑफ का यूज करते हैं डाई के बाद, और अगर में से कहीं पे आया है तो हम वहां पर भी ऑफ का ही यूज करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. इसके बाद देखिए थर्ड है हमारा ऑफ का यूज का के की के अर्थ में, यानी का या फिर की के अर्थ में संबंध या अधिकार के भाव को व्यक्त करने में होता है. देखिए समझिए इस बात को, क्या कह रहा है, आसानी से समझ लेते हैं इसको, कि जहाँ पर का या के या की आता है, का या के या की आता है, उसके मीनिंग के लिए, उसके अर्थ के लिए अगर हमें संबंध प्रदर्शित करना हो या फिर अधिकार प्रदर्शित करना हो, संबंध यानी रिलेशन, अधिकार यानी पोजेशन, पोजेशन या रिलेशन में से कुछ भी हमें उस किसी के भी सेंस को अगर हमें प्रदर्शित करना हो, यानी हमें रिलेशन दिखाना हो या फिर पोजेशन दिखाना हो, किसी चीज़ का अधिकार दिखाना हो, मालिकाना अधिकार कि कोई चीज़ किसकी है, या फिर रिलेशन दिखाना हो, रिश्ता दिखाना हो, और वहाँ पर का के की भी आया हो, तो वहाँ पर हम ऑफ का यूज़ करते हैं. ठीक है, बिना किसी और प्रपोजिशन का यूज़ किए हुए हम ऑफ का यूज़ करते हैं. एग्जांपल से आप बेहतर समझ पाएंगे. ठाकुर इज़ द सन ऑफ मिस्टर महेश, ठाकुर मिस्टर महेश का पुत्र है. तो यहाँ पर रिलेशन शो हो रहा है, यहाँ पर संबंध शो हो रहा है कि जो ठाकुर है वो मिस्टर महेश का पुत्र है. तो दोनों में पिता पुत्र का संबंध है, दोनों में सन फादर का रिलेशन है. तो यहाँ पर रिलेशन शो हो रहा है और का भी आया है. ठाकुर इज द सन ऑफ मिस्टर महेश, ठाकुर मिस्टर महेश का पुत्र है. किसका, मिस्टर महेश का, कौन पुत्र है, ठाकुर. तो यहाँ पर का आया है, का के अर्थ के लिए हमने यहाँ पर संबंध को प्रदर्शित किया है. ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं. दिस इज द पब्लिकेशन ऑफ रामाजी, दिस इज द पब्लिकेशन ऑफ रामाजी. इसका अर्थ है कि यह रामाजी की का प्रकाशन है, रामाजी का प्रकाशन है, रामाजी की प्रकाशन है. तो यहाँ पर पोजेशन शो हो रहा है, ध्यान से देखिए पोजेशन, क्योंकि इनका अधिकार ही ओन करते हैं इस पब्लिकेशन को. ये पब्लिकेशन जो प्रकाशन है ये रामाजी का है, तो रामाजी ओन करते हैं, यानी उनका माल उनके ऊपर, इसके ऊपर उनका अधिकार है. ठीक है, एक पोजेशन शो हो रहा है, एक पोजेसिव फॉर्म शो हो रही है. तो यहाँ पर पोजेशन शो हो रहा है, का भी आया है. दिस इज द पब्लिकेशन ऑफ रामाजी, यह रामाजी का प्रकाशन है. किसका, रामाजी का प्रकाशन है. तो रामाजी का प्रकाशन, इसलिए यहाँ पर हम ऑफ प्रपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो अगर इस तरह से संबंध या अधिकार को प्रदर्शित करना हो आपको, और का के की के अर्थ में करना हो, तो आप ऑफ का उपयोग करेंगे. नेक्स्ट देखिए, ऑफ का यूज मे के अर्थ में होता है. अब आप सोच रहे होंगे मे के लिए तो हम इन यूज करते हैं या इन टू यूज करते हैं. देखिए इन और इन टू यूज करते हैं, लेकिन वो अलग सेंस होती है, ये अलग सेंस होती है. मे का अर्थ होता है किसी चीज के अंदर. ठीक है, अगर आप किसी कमरे में जा रहे हो तो आप कह सकते हो, आप लेते हो ना परमिशन, मे आई कम इन, यानी कमरे के अंदर आ जाऊं. लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर सेंस तो मे ही बन रहा होता है, लेकिन आप उसके अंदर नहीं जा रहे, या आपको अंदर नहीं जाना, अंदर की बात नहीं हो रही है, बस उसमें एक फील आ रही है, एक सेंस आ रही है. देखिए एग्जाम्पल से समझिए. रोहन इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस. अब इसका क्या अर्थ हुआ, ये थोड़ा ही ना, इसका अर्थ ये नहीं होगा कि रोहन जो है अपनी सफलता से या सफलता का विश्वास, इसमें इसका अर्थ होगा कि जो रोहन है वो, उसको अपनी सफलता में विश्वास है, उसको अपनी सफलता में विश्वास है. इसका ना उसके अंदर विश्वास नहीं है, सफलता में विश्वास है. तो अगर इस तरह का सेंटेंस आता है आपके लिए, मे का जो वहाँ पर सेंस बन रहा हो, तो वहाँ पर आप इन या इन टू ना यूज़ करके ऑफ का यूज़ करेंगे. जहाँ आपने इन यूज़ किया गलत, जहाँ इन टू यूज़ किया गलत, ऑफ को यूज़ करना होगा. रोहन इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस, रोहन को अपनी सफलता में विश्वास है. नेक्स्ट देखते हैं, माय ब्रदर इज़ वीक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. अगर आप इसका सीधा सा मतलब निकालें ऑफ को का बनाकर, तो इसका मतलब क्या बनेगा कि मेरा भाई समझने का वीक, यानी कि कमज़ोर है, समझने का कमज़ोर है. तो ये कोई सेंटेंस तो नहीं बना, मेरा भाई समझने में कमज़ोर है. यहाँ पर ऑफ का मतलब में है, ना कि का. यहाँ पर ऑफ का मतलब में है, मेरा भाई समझने में कमज़ोर है. तो माई ब्रदर इज़ वीक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. अगर आप यहाँ ऐसे करोगे माई ब्रदर इज़ वीक इन अंडरस्टैंडिंग, गलत हो जाएगा, कोई सेंस नहीं बनेगा, ग्रामेटिकल रूप से बिल्कुल गलत है. इंटू करोगे वो भी गलत है, ऑफ करोगे तो ही बिल्कुल सही बनेगा, माई ब्रदर इज वीक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, इनका इस मे का ये सेंस होता है. ठीक है, इनके कुछ एग्जांपल्स आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल आप एक दो एग्जांपल से एक आइडिया लगा लीजिए. नंबर 5 देखिए, ऑफ का यूज के बारे में,
के लिए होता है। अब आप कहोगे अबाउट का यूज़ करते हैं के बारे में, तो के विषय में, के बारे में, तो उसके लिए तो हम अबाउट का जी करते हैं, लेकिन कहाँ करना है, कैसे करना है, वो अलग होती है। अबाउट का कहाँ यूज़ करना है मैं आपको अबाउट के सेक्शन में बताऊंगा। फिलहाल आप ऑफ का यूज़ कैसे करते हैं के बारे में या के विषय में, वो देखिए। ही हैज़ हर्ड ऑफ दैट एक्सीडेंट, उसने उस दुर्घटना के बारे में सुना है, उसने उस दुर्घटना के बारे में सुना है, ये इसका पूरा सेंस है इस सेंटेंस का। तो उस दुर्घटना के बारे में सुना है, तो उसके लिए हम ऑफ यूज कर रहे हैं, ये नहीं यूज कर रहे हैं ही हैज हर्ड अबाउट दैट एक्सीडेंट। देखिए अगर आप नॉर्मल वे में बात कर रहे हो तो ये सही जाएगा, कोई बात नहीं, सामने वाला समझ जाएगा, लेकिन ग्रामेटिकल रूप से बिल्कुल गलत है, यहाँ पर ऑफ ही आना चाहिए, ठीक है। के बारे में के लिए ऑफ, कि उसने इस दुर्घटना के बारे में सुना है। देखिए समवन हैज इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द रोबरी, किसी ने पुलिस को सूचना दी, सूचना दी किसके बारे में, लूट के बारे में, किसी ने पुलिस को लूट के बारे में सूचना दी, या फिर किसी ने लूट के बारे में पुलिस को सूचना दी, तो किसके बारे में दी, लूट के बारे में। तो यहाँ पर के बारे में या के विषय में के लिए हमने ऑफ यूज किया। समवन हैज इन्फॉर्म्ड द पुलिस ऑफ द रोबरी, यहाँ पर आ रहा है ऑफ द रोबरी यानी लूट के बारे में, ऑफ द रोबरी, तो के बारे में या के विषय में के लिए यहाँ पर हम ऑफ का यूज कर रहे हैं, ऑफ द रोबरी, ठीक है। तो इस तरह के अगर सेंटेंसेस आते हैं आपके सामने के बारे में वाले, इस तरह की सेंस अगर आती है, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना आपको समझ में आता चला जाएगा, एक दो से आपको पता नहीं चलेगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, आपको दिमाग में फील करोगे, इसको इमेजिन करोगे, तो आप समझ जाओगे कि हाँ यहाँ पर ऑफ आएगा और यहाँ पर अबाउट आएगा। अबाउट वाले सेक्शन में अबाउट के बताऊंगा तो और ज्यादा क्लियर हो जाओगे, ठीक है। ऑफ का यूज ऐसे भी हो सकता है। नंबर 6 आप देख सकते हो, कॉज के बाद ऑफ का यूज होता है। कॉज यानी एक शब्द होता है, कॉज का मतलब होता है कारण। अब कारण एक और शब्द का मतलब होता है, जैसे वजह, उसको इंग्लिश में बोलते हैं रीजन। इसको भी रीजन और कॉज लगभग सेम होते हैं, कि दोनों का मतलब कारण होता है, लेकिन हमें देखना है कि हमें कॉज से पहले क्या यूज करना है, यानी कॉज के लिए क्या यूज करना है और हमें रीजन के लिए क्या यूज करना है। देखिए व्हाट इज द कॉज ऑफ मर्डर, मर्डर का क्या कारण है, मर्डर का क्या कारण है, ठीक है। What is the cause of murder? तो यहाँ पर हमने का के लिए, cause के लिए of का use किया है, ठीक है। cause के लिए of का के लिए तो हम use कर ही रहे हैं of, अब यहाँ पर हमने cause के लिए of का use किया है, कि what is the cause of murder यानी murder का क्या कारण है, ठीक है। अब next देखिए, what is the reason for the absence of the teacher, देखिए अगर आप normal way में इसको बनाओगे, आप कैसे बनाओगे, what is the reason of the absence of the teacher, ठीक है, के शिक्षक की अनुपस्थिति का क्या कारण, शिक्षक की अनुपस्थिति का क्या कारण है, ये इसका सेंस है, इसका अर्थ है। लेकिन यहाँ पर की और का है, शिक्षक की अनुपस्थिति का क्या कारण है, तो दो बार की का है तो आप सोचोगे ऑफ लगा दो, जी नहीं, यहाँ पर क्या होता है, अगर रीजन कहीं पे आ रहा है तो रीजन के लिए हम फोर का यूज करते हैं, किसका, फोर का, और हम कॉज के लिए टीचर सॉरी ऑफ का यूज करते हैं, कॉज के बाद हम ऑफ का यूज करेंगे और रीजन के बाद हम फोर का यूज करेंगे, यह बात आपको ध्यान रखनी है। कहीं पर अगर रीजन आ रहा है तो उसके लिए फोर यूज करना है, कहीं पर कॉज आ रहा है, कारण आ रहा है, कारण उसका भी मतलब होता है, लेकिन आपको समझना है कारण आ रहा है तो वहां पर हमें ऑफ का यूज करना है। व्हाट इज द रीजन फॉर द एब्सेंस ऑफ द टीचर, ये बिल्कुल एक्यूरेट सेंटेंस है। व्हाट इज द रीजन ऑफ द एब्सेंस ऑफ द टीचर, ये एक रॉन्ग सेंटेंस है, गलत सेंटेंस है, ठीक है। ये दोनों तरीके से ही गलत है, ये ना तो आम बोलचाल में सही है ना ही ग्रामेटिकल रूप से सही है, ठीक है। व्हाट इज द रीजन फॉर द एब्सेंस ऑफ द टीचर, ये एक और ऑफ का यूज है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नंबर 7 है, ऑफ का यूज ओरिजिन और सोर्सेज यानी स्रोत, ओरिजिन या सोर्सेज यानी स्रोत के भाव को व्यक्त करने में होता है, यानी जो ऑफ का यूज है हम सोर्सेज यानी स्रोत के भाव को व्यक्त करने में भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं देखिए, पंडित नेहरू केम ऑफ अ रिच फैमिली, जो पंडित नेहरू है वो एक अमीर परिवार से आते थे, एक अमीर परिवार से, यानी उनका संबंध जो है वो एक अमीर परिवार से था, तो ओरिजिन उनका क्या हुआ, ओरिजिन उनका हुआ रिच फैमिली, क्योंकि वो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो रिच फैमिली से आते हैं, तो क्या ओरिजिन हुआ उनका रिच फैमिली, तो ओरिजिन को दर्शाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, उसके भाव को, उसके सेंस को बताने के लिए भी हम ऑफ का यूज करते हैं, पंडित नेहरू केम ऑफ अ रिच फैमिली, ऑफ ये नहीं करेंगे केम फ्रॉम अ रिच फैमिली, नहीं बिल्कुल गलत हो जाएगा, फ्रॉम लगाओगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर से आ रहा है ना, तो से का मतलब ये नहीं आप फ्रॉम लगाओगे, ये सेंस यहाँ पर बन रही है ऑफ वाली, ठीक है। तो अगर ओरिजिन या सोर्स से आता है यहाँ से आप समझ जाइएगा कि फ्रॉम नहीं ऑफ लगाना है, ये बिल्कुल साधारण सा एक प्रूफ है, सबूत है। ही कम्स ऑफ अ पुअर फैमिली, वह गरीब परिवार से आता है, ये भी एक ओरिजिन है, तो इसमें भी ऑफ का ही इस्तेमाल होगा, कि वह एक गरीब परिवार से आता है, भले ही से आ रहा है लेकिन यहाँ पर उपयोग, यहाँ पर हम क्या करेंगे ऑफ का यूज करेंगे। दिस हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स,
यह मकान ईंटों का बना है। कैसे ईंटों का बना है, कोई मकान किसी और चीज का बन सकता है, लकड़ी का बन सकता है, किसी और चीजों को बन सकता है, लेकिन दिस हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, यहाँ पर ब्रिक्स आया है, ठीक है। दिस हाउस इज मेड ऑफ वुड हो सकता है, ठीक है, तो वहां पर भी ऑफ ही यूज करेंगे, इज ऑफ वुड, ठीक है। यहाँ पर भी दिस हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, तो यहाँ पर भी ऑफ का उपयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सोर्स बताया जा रही है, क्या स्रोत बताया जा रहा है, किस किस स्रोत से आया है, तो ब्रिक्स यानी ईंटों का बना है, तो ईंटें जो है इसका स्रोत है, सोर्स है, सॉरी स्रोत है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ऑफ का यूज, क्वालिटी यानी गुण, पोजेशन यानी अधिकार, अपोजिशन यानी कि जो अपोजिशन होता है, जो विपरीत पक्ष होता है, स्पेस इन टाइम, स्पेस इन टाइम बोलते हैं समय में जगह, यानी कि समय के बीच में जो गैप होता है ना, उसको बोलते हैं जो समय के अंदर अंदर होता है, जो समय के अंदर, अभी एग्जांपल से समझ पाओगे। पॉइंट ऑफ रेफरेंस यानी संदर्भीय बिंदु, एक संदर्भीय बिंदु होता है, किसी एक पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं, उसके संदर्भ में बात करते हैं। देखिए समझते हैं एग्जाम्पल से, आप क्लियर हो जाओगे। आर पब्लिशर इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, ये देखिए क्वालिटी बता रहा है, सीधी सी बात है, क्वालिटी की जो हमारा प्रकाशक है, जो हमारा पब्लिशर है, वो सैद्धांतिक व्यक्ति है, यानी उसके अंदर बहुत सारे सिद्धांत है, उसमें सिद्धांत है यानी नियम है, एक अच्छे गुण है, सिद्धांतों को बोलते हैं अच्छे गुण। आर पब्लिशर इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, सैद्धांतिक व्यक्ति है, तो ये तो हो गया क्वालिटी, तो यहाँ पर भी हम ऑफ का यूज करेंगे, ठीक है। आई लिव इन द हाउस ऑफ रोहन, आई लिव इन द हाउस ऑफ रोहन, मैं रोहन के मकान में रहता हूँ, मैं रोहन के मकान में रहता हूँ, तो ये मकान किसका है, रोहन का मकान है, इसलिए हमने क्या किया, ओनर से पहले ऑफ का यूज किया, ओनर यानी जो पजेशन शो करता हो, ये सेंटेंस पूरा पजेशन शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर अधिकार दिखाया जा रहा है, अधिकार यानी ये मकान किसका है, इसका मालिक कौन है, रोहन है, इसलिए पजेशन से पहले ऑफ का यूज किया, तो कहीं पे पजेशन आता है तो आप इस तरह से ऑफ यूज कर सकती हो। नेक्स्ट, द डॉक्टर केम बैक विद इन एन आवर ऑफ द अपॉइंटेड टाइम, जो चिकित्सक है वह दिए हुए टाइम यानी जो अपॉइंटेड टाइम था, दिए हुए टाइम के 1 घंटे के भीतर वापस आ गया, 1 घंटे के भीतर वापस आ गया। द डॉक्टर केम बैक विद इन एन आवर ऑफ द अपॉइंटेड टाइम, इसको बोलते हैं स्पेस इन टाइम, मैंने आपको बताया ना स्पेस इन टाइम, यानी कि हमें कोई समय दिया जाता है, मैं आपको 1 घंटा दूँ और आप उस 1 घंटे में किस जो काम करने के लिए आपको दिया है वो काम आप कर दो, या फिर मैंने आपको आने के लिए बोला है आ जाओ, आपको जाने के लिए बोला है चले जाओ, जो एक समय आपको दिया है, एक पॉइंट दिया है टाइम का, उस टाइम के भीतर आ जाओ, भीतर, तो उसको बोलते हैं स्पेस इन टाइम, ठीक है। द डॉक्टर केम बैक विद इन एन आवर, यानी कि 1 घंटे के भीतर वह चिकित्सक आ गया, किससे, दिए हुए समय के 1 घंटे के भीतर चिकित्सक वापस आ गया। द डॉक्टर केम बैक विद इन एन आवर ऑफ द अपॉइंटेड टाइम, ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्पेस इन टाइम, अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको ऑफ यूज करना है। रोहन इज ब्लाइंड ऑफ वन आई, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस यानी कि संदर्भीय बिंदु, यानी कि हम एक विषय में बात करते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में, इसमें कैसी बात हो रही है, देखो रोहन इज ब्लाइंड ऑफ वन आई, रोहन एक आंख से अंधा है, तो क्या है, एक आंख से अंधा है, एक आंख से अंधा है यानी कि एक बिंदु की बात हो रही है, उस बिंदु के संदर्भ में बात हो रही है, एक बिंदु के संदर्भ में जब भी बात होगी तो उसको हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, और रोहन इज ब्लाइंड ऑफ वन आई ये उसका एग्जांपल है, रोहन एक आंख से अंधा है, तो ऑफ यहाँ पर यूज करते हैं। देखिए एक तो एग्जांपल से बिल्कुल आपके बात क्लियर नहीं होगी, मैं बहुत सारे एग्जांपल हर एक प्रेपोजिशन के आगे वीडियोज में आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन अगर अभी मैं डिस्कस करने लग गया तो घंटों की वीडियो बनेगी, ठीक है, तो मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, उस आइडिया से आप समझने की कोशिश कीजिए कि पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है, स्पेस इन टाइम क्या है, ठीक है। रोहन इज ब्लाइंड ऑफ वन आई, यहाँ पर एक बिंदु के संदर्भ में बात हो रही है, इसलिए इसको बोलते हैं संदर्भीय बिंदु, रोहन इज ब्लाइंड ऑफ वन आई, ठीक है। आप यहाँ पर ऐसा मत कीजिएगा रोहन इज ब्लाइंड फ्रॉम वन आई, कि एक आंख से अंधा है, यू से का वैसे नॉर्मल अर्थ, सामान्यतः अर्थ जो है वो फ्रॉम ही निकलता है, लेकिन आप नहीं यूज कर सकते, आपको ऑफ यूज करना है, तभी तो हम प्रेपोजिशन पढ़ रहे हैं, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं कि हमें सही यूज़ पता चले कि से के लिए कहाँ पर क्या यूज़ करना है, का के लिए क्या यूज़ करना है, ठीक है। तो और देख लेते हैं क्या क्या यूज़ है ऑफ के, एक कुछ एग्जांपल्स हैं ऑफ के, जो जहाँ पर ऑफ का उपयोग किया जाता है, ये फ्रेजेज हैं, कुछ वर्ड्स हैं जिनमें ऑफ का उपयोग किया जाता है, मोस्ट ऑफन जो है आमतौर पर यूज़ किए जाते हैं, जैसे फुल ऑफ है, थिंक ऑफ, क्योर्ड ऑफ, श्योर ऑफ, शॉर्ट ऑफ मनी, अशेम्ड ऑफ, गेट रीड ऑफ, द 1st of August, एड्रेस ऑफ कॉटन, वर्थ ऑफ, एक्यूज ऑफ क्राइम, टेक केयर ऑफ, प्राउड ऑफ और अवेयर ऑफ, ऐसे कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ ऐसे यहाँ पर लिखे हैं जो कि आमतौर पर जीवन के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, जिंदगी में बोले जाते हैं और यूज होते हैं, ठीक है। जैसे फुल ऑफ हो सकता है, आई एम फुल ऑफ मनी, इस तरीके से बोल देते हैं ना, फुल ऑफ
हंगर इस तरीके से बोल सकते हैं, थिंक ऑफ, आई एम थिंक थिंक ऑफ दैट, आई थिंक ऑफ दैट, मैं उसके बारे में सोचता हूँ, इस तरीके से आप इन फ्रेजेज में, इन वर्ड्स में ऑफ का यूज़ कर सकते हो। ऐसे कुछ और वर्ड्स हो सकते हैं लेकिन ये थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऑफ का जो है यहीं पर ही ख़त्म होता है। ऑफ के जितने यूजेस हो सकते थे मैंने आपको सब बता दिए हैं, इससे अलग ऑफ का कोई भी यूज़ नहीं होता है। बाकी जो एग्जाम्पल्स होंगे इसके मैं आपको बाद में समझा दूंगा, अभी बात करते हैं ऑन की। चलिए अब बात कर लेते हैं ऑन के प्रयोग की, कि ऑन का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। नंबर एक देखिए, ऑन का यूज स्थान स्पर्श के भाव को व्यक्त करने में होता है, पर के लिए, लास्ट में लिखा है पर के लिए। जैसे का के लिए पहले किया था, के लिए किया था, मे के लिए किया था, ठीक है, ऐसे ही पर के लिए। अब देखिए सुनिए, ऑन का यूज स्थान स्पर्श, स्थान स्पर्श का मतलब अगर कोई स्थान से स्पर्श होता है, यानी कोई चीज स्थान से टच होती है, प्लेस से टच होती है, वस्तु से टच होती है, व्यक्ति से टच होती है, तो जहाँ पर टचिंग हो रहा है यानी जहाँ पर स्पर्श हो रहा है, वहाँ पर उस भाव को व्यक्त करने में हम ऑन का उपयोग करते हैं पर के लिए, यानी पर आया हो। एग्जाम्पल से समझते हैं, देर आर टू बुक्स ऑन द टेबल, देर आर टू बुक्स ऑन द टेबल, इसका अर्थ है कि मेज पर दो पुस्तक हैं, सॉरी पुस्तक हैं, मेज पर दो पुस्तक हैं। अब कहाँ है, मेज पर है, तो जो किताबें हैं, जो पुस्तक है, वो मेज से टच हो रही होंगी, 100% टच हो रही होंगी, तो यहाँ पर स्थान स्पर्श का भाव नजर आ रहा है और पर है उसके लिए हम ऑन का यूज करेंगे ही करेंगे। तो जहां पर स्थान स्पर्श आता हो, उसका भाव व्यक्त होता हो, जहां से दो चीजें आपस में स्पर्श करती हो, वहां पर हम ऑन का उपयोग करते हैं। सेकेंड देखिए, ही वॉज कैरिंग अ सूट केस ऑन हिज हेड, ही वॉज कैरिंग अ सूट केस ऑन हिज हेड, वह अपने सर पर एक सूट केस लादे ले जा रहा था, मतलब लादे हुए था, इसका मतलब रखे हुए था, कैरिंग यानी सर के ऊपर रखे हुए था। ही वॉज कैरिंग अ सूट केस ऑन हिज हेड, वह अपने सर पर एक सूट केस रखे हुए था, ठीक है, सूट केस रखे था। कहाँ पे रखे हुए था, सर पे रखे हुए था, तो पर के लिए तो पहली बात ऑन आ जाता ही आ जाता है। अब ऑन यहाँ पे क्यों यूज हुआ और एट क्यों नहीं यूज हुआ, इसलिए क्योंकि यहाँ पर स्थान स्पर्श आ रहा है, जो सूट केस है वो हेड से टच हो रहा है, स्पर्श हो रहा है, स्पर्श हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। द हेड मास्टर इज सिटिंग ऑन अ व्हील चेयर, जो हेड मास्टर हैं वो व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं, व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं। अब वो व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं हेड मास्टर, तो वो जो व्हील चेयर है वो हेड मास्टर को टच कर रही है, दोनों आपस में टच कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी स्थान स्पर्श का भाव है। तो अब भाव आ गया है तो यहाँ पर हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे, ऊपर से वो पर है, हेड मास्टर सिटिंग ऑन अ व्हील चेयर, के व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं, तो पर के लिए हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं, अगर स्पर्श हो रहा हो, स्थान स्पर्श हो रहा हो, पर के लिए हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। तो फर्स्ट तो यूज हो गया ऑन का ये। अब सेकेंड समझिए, ऑन का यूज निश्चित समय सूचक शब्दों के पहले होता है पर या को के लिए, यानी जैसे ऊपर पर के लिए किया तो यहाँ पर या को दोनों शब्दों के लिए होता है। अब ये निश्चित समय सूचक क्या है, यानी कि ऐसे शब्द जिनसे समय को निश्चित किया गया हो, यानी हमें बता दिया गया हो पहले से कि किस समय, यानी जनवरी में, फरवरी में 1 तारीख को 10 बजे, 11 बजे, यानी फिक्स कर दिया गया हो टाइम, अगर तो निश्चित समय के लिए हम पर और को के लिए हम निश्चित समय सूचक के लिए ऑन का उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखकर समझ सकते हो आप, ऑन मंडे, जैसे मंडे यानी सोमवार एक दिन का नाम है, तो यानी ये निश्चित कर दिया गया कि हाँ मंडे को, ऑन ट्यूसडे, ऑन मंडे इवनिंग यानी कि सोमवार की शाम को, ऑन द मॉर्निंग ऑफ द इवेंट यानी इवेंट इवेंट की सुबह को, ऑन द इवनिंग ऑफ द फर्स्ट मार्च, फर्स्ट मार्च की शाम को, ऑन द सेम नाइट उसी रात को, ठीक है, उसी रात को। तो को के लिए हम यहाँ पर के लिए और को के लिए हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं अगर समय सूचक शब्द निश्चित हो, जैसे कि मंडे निश्चित है, ट्यूसडे निश्चित है, मंडे की इवनिंग निश्चित है, इवेंट की सुबह निश्चित है, यहाँ पर ऑन द इवनिंग ऑफ द फर्स्ट मार्च की शाम निश्चित है, निश्चित कर दिया गया समय, बता दिया है कि हाँ इस समय होने वाला है, तो ऑन द सेम नाइट हम ऑन वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर निश्चित ना हो तो मैंने आपको बताया था एट यूज करते हैं, पहले बताया था। अब देख सकते हैं यहाँ पर ऑन का यूज ए एन द प्लस बस ट्रेन एयरप्लेन शिप के पहले होता है, ये हमारे आर्टिकल्स हैं ए एन द। अगर इनमें से कोई आता है उसके साथ या तो बस है या ट्रेन है या एयरप्लेन है या शिप है, तो उसके पहले हमको यूज करना है ओन, यानी ये हमारा प्रेपोजिशन ओन। कैसे, देखिए, ही वॉज ऑन अ बस, ही वॉज ऑन अ बस,
वह अब हम मैंने वो बताया पर के लिए इस्तेमाल होता है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ओन का यूज ए एन द प्लस बस ट्रेन एयरप्लेन शिप के पहले होता है, ठीक है। ही वॉज ऑन अ बस, अब इसका अर्थ क्या है कि वह बस पर है, ठीक है, वह बस पर है लेकिन सेंस है बस में है, क्योंकि वो बस पर का मतलब है ना बस के ऊपर होगा, नहीं ऐसा तो नहीं, लेकिन बस पर ही है ना। सो ही वॉज ऑन अ बस, अगर बस की जगह ट्रेन कर दिया जाए ही वॉज ऑन अ ट्रेन, इसकी जगह एयरप्लेन कर दिया गया ही वॉज ऑन अ एयरप्लेन, ही वॉज ऑन अ शिप, अगर वो शिप पर है तो ही वॉज ऑन अ शिप। अब ये जो ए है हमारा, ये हमारा आर्टिकल है ना, ये आ रहा है ना बस ट्रेन एयरप्लेन या शिप से पहले, तो अगर आ रहा है, अगर ए एन द ना आए तब इस्तेमाल नहीं करना है, तब बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आता है तो हमें इसके बाद, अगर बस ट्रेन एयरप्लेन शिप कुछ आता है तो हमें अपने ओन का इस्तेमाल करना है इनसे पहले, जैसे हमने यहाँ ओन का इस्तेमाल किया है ही वॉज ओन अ बस ट्रेन एयरप्लेन और शिप। कहीं पर भी हो तो हमें ओन का ही इस्तेमाल करना है, शिप पर है तो शिप पर है ना वो, तो पर के लिए हम ओन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सेंस तो में ही आएगा लेकिन पर के लिए, ठीक है। ओन का यूज ए एन द प्लस इनसे पहले होता है। नेक्स्ट यूजेस देख लेते हैं, देखिए नेक्स्ट ओन का जो यूज है उसको देख लेते हैं। ए या एन अपने आर्टिकल है, उसके साथ अगर स्कूटर साइकिल और बाइक है, अगर ए या एन के साथ हमारे आर्टिकल के साथ में स्कूटर या साइकिल या बाइक आया हुआ है तो हमको इनसे पहले यानी ए या एन से पहले भी ओन का उपयोग करना है, ठीक है। देखिए ही वॉज ऑन अ साइकिल, ही वॉज ऑन अ साइकिल, वह साइकिल पे था, वह साइकिल पर था, एक ही बात है ना, तो हम यूज कर सकते हैं। या फिर ही वॉज ऑन अ स्कूटर, ही वॉज ऑन अ बाइक, ठीक है। तो इस तरीके से हम ओन का उपयोग कर सकते हैं अगर हमारा आर्टिकल ए या एन है और उसके बाद कोई स्कूटर साइकिल या बाइक आई है, तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। अब देखते हैं ओन का यूज पजेसिव एडजेक्टिव्स प्लस साइकिल स्कूटर या बाइक के पहले होता है, यानी अगर कोई पजेसिव एडजेक्टिव आ जाता है, पजेसिव एडजेक्टिव का अर्थ होता है अधिकारवाचक विशेषण। अब अधिकारवाचक विशेषण यानी जहाँ पर मालिक, मालिकाना हक का बोध होता हो, जहाँ पर एक मालिकाना हक शो हो रहा हो, ठीक है। देखिए अब मैं समझाता हूँ आपको, ही गोज टू स्कूल ऑन हिज साइकिल स्कूटर और बाइक, यानी वह स्कूल जाता है अपनी साइकिल या स्कूटर या बाइक से, ठीक है। ऑन हिज यानी वो अपनी बाइक से, यहाँ पर हिज आ गया ना, ओन साइकिल आता तो नॉर्मल था लेकिन ओन हिज यानी उसका, वो उसको ओन करता है, साइकिल को स्कूटर को ओन करता है, उस पर उसका हक है, वो उसका मालिक है, तो यहाँ पर एक अधिकार शो हो रहा है, एक अधिकार शो हो रहा है, इसकी वजह से हम इसको बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। सो ही गोज टू स्कूल ऑन हिज साइकिल और स्कूटर और बाइक, अगर इस तरह का कोई पजेसिव एडजेक्टिव और उसके बाद साइकिल या स्कूटर या बाइक आता है तो आपको ओन का इनसे पहले इस्तेमाल कर देना है, ठीक है। इससे पहले हमने क्या इस्तेमाल किया, ओन। नेक्स्ट देखिए ओन का यूज फूट, हॉर्सेस बैक, अ हॉर्स, अ कैमल, अ कैमल्स बैक, एन एलिफेंट, एन एलिफेंट्स बैक, अ बफेलो और अ बफेलोस बैक के पहले होता है, यानी पीठ, एलिफेंट की पीठ, कैमल की पीठ, घोड़े की पीठ, ठीक है, ये यहाँ पर है जैसे फूट या फिर बफेलो की पीठ, इनसे पहले हम ओन का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप हाथी पर सवारी करते हो तो हाथी पर सवारी करते हो ना, तो पर के लिए हम यहाँ पर ओन यूज़ करते हैं, एट यूज़ नहीं करते हैं, एट और ओन में यहीं पर कन्फ्यूजन हो जाती है, ठीक है। तो ओन का यूज़ करते हैं, ना ही इन यूज़ करते हैं, ओन का यूज़ करते हैं। अगर आप घोड़े पर सवारी कर रहे हो, हाथी पर कर रहे हो, बफेलो पर कर रहे हो, इनकी पीठ पे बैठ के कर रहे हो ना, तो इसलिए हम वहाँ पर ओन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही वॉक्स ऑन फूट, वह पैदल चलता है, पैदल यानी पैरों पर चलता है, ही वॉक्स ऑन फूट, तो फूट आता है तो आपको ओन यूज़ करना है। He was riding on a horse. He was riding on a horse. वह घुड़सवारी कर रहा था, वह घुड़सवारी कर रहा था, तो कहाँ पे कर रहा था, वो घोड़े की पीठ पर तो बैठा हुआ था, तो पीठ पर बैठ कर रहा था, यानी पीठ पर। सो अगर यहाँ पर हॉर्स की जगह पर कैमल आ जाए तो भी यही बात रहेगी, एलिफेंट आ जाए तो भी वही बात, बफेलो तो वो भी यही बात रहेगी। तो इस तरीके से अगर आते हैं फूट, हॉर्सेस बैक, अ हॉर्स, अ कैमल, अ कैमल्स बैक, एन एलिफेंट, एन एलिफेंट्स बैक, अ बफेलो और अ बफेलोस बैक, अगर इस तरह आता है तो आपको उससे पहले ओन का इस्तेमाल करना है सेंटेंस में, ठीक है। इनके एग्जांपल्स किसी और वीडियो में मैं आपसे डिस्कस जरूर करूंगा, ठीक है। अभी आप इतने से ही समझ जाइए, ओन का यूज की ओर के अर्थ में दिशा का बोध कराने के लिए होता है। की ओर यानी डायरेक्शन, दिशा, इस तरफ, उस तरफ, मेरी ओर, तुम्हारी ओर, आपकी ओर, उनकी ओर, तो की ओर के लिए हम ओन का इस्तेमाल करते हैं। देखिए कैसे, आप सोचोगे टुवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, टुवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो सेंस कुछ और होता है। ये किस सेंस में करते हैं, यहाँ पर देखिए, द रोबर ड्र्यू अ डैगर ऑन हिम, द रोबर ड्र्यू अ डैगर ऑन हिम, इसका क्या अर्थ होगा, जो रोबर है, जो लूट मार है,
जो लुटेरा है, जो डाकू है, उसने क्या किया, ड्र्यू अ डैगर ऑन हिम, उसके ओर एक डैगर फेंका, उसकी ओर एक डैगर फेंका, यानी घसीट के फेंक दिया उसने। द रोबर ड्र्यू अ डैगर ऑन हिम, या आप कह सकते हो उस पर फेंका, तो उस पर फेंका यानी उसकी ओर फेंका, तो एक ही बात हुई ना, तो हमने ऑन यूज किया। सेकंड को देखिए, ही थ्रू अ स्टोन ऑन मी, उसने मुझ पर एक स्टोन फेंका, पत्थर फेंका, लेकिन पत्थर फेंका तो किसकी ओर फेंका, मेरी ओर फेंका, तभी तो मुझ पर आ रहा है वो। ही थ्रू अ स्टोन ऑन मी, यानी मेरी ओर फेंका, तो ये डायरेक्शन को बताता है। तो हम डायरेक्शन से पहले भी ऑन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहाँ पर ऑन और यहाँ पर ऑन का इस्तेमाल हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट है, ऑन का यूज आधिकारिक रूप से सदस्य होने के भाव को व्यक्त करने में होता है। इसका क्या अर्थ है, आधिकारिक रूप से आप अगर किसी समिति के सदस्य हो, आप किसी जगह पर, आप मेडिकल स्टाफ में हो, आप किसी इंजीनियरिंग स्टाफ में हो, आप रेलवे का स्टाफ हो, आप स्टाफ ही नहीं, आप अगर किसी चीज़ के सदस्य हो आधिकारिक रूप से, यानी गवर्नमेंट रूप से या प्राइवेट रूप से, आप अगर किसी भी जगह पर आधिकारिक रूप से सदस्य हो, यहाँ पर आपको आधिकारिक रूप से एक पोस्ट दी गई है, तो वहां पर आप ऑन का यूज करेंगे, इन का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मे का वहां पर अर्थ आता है, लेकिन मे के लिए इन ना यूज करके ऑन आपको यूज करना है। ऑन का यूज आधिकारिक रूप से सदस्य होने के भाव को व्यक्त करने के लिए होता है। शी इज ऑन द कमेटी, वह कमेटी में है, वह कमेटी में है। सो कमेटी यानी समिति बोलते हैं इसको, वह समिति में है। सो समिति पर है नहीं बोलेंगे, समिति में है, लेकिन हम इनका यूज नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि इनका यूज मैंने आपको बताया था कि इन एक अंदर वाली बात होती है। पहले आपको इनका मैंने समझाया था जब, तो बताया था कि इन जैसे मैं आई कम इन, यानी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, लेकिन कमेटी कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसके अंदर आप जा सकते हो। समिति एक चीज़ है, एक पोस्ट है, एक जगह है, ठीक है, उसमें एक संस्था है, उसमें आप शामिल हो। सो शी इज ऑन द कमेटी। नेक्स्ट देखिए, ही इज ऑन द स्टाफ ऑफ द बीपीएससी, वह बीपीएससी के स्टाफ में है, वह बीपीएससी के स्टाफ में है, यानी वह भी वहाँ का सदस्य है, वह भी वहाँ का सदस्य है, तो उसके लिए भी मे में हम क्या यूज करेंगे, ऑन यूज करेंगे, ऑन यूज करेंगे, दोनों के लिए, मे के लिए हम ऑन यूज करेंगे, अगर आधिकारिक रूप से सदस्य होने की बात हो रही हो, ठीक है। मेडिकल स्टाफ हो सकता है, रेलवे स्टाफ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये थे रूल। अब मैं कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस आपको बता देता हूँ जहां पर ऑन का इस्तेमाल होता है। ऑन का यूज नीचे दिए शब्दों से पहले होता है। देखिए, ऑन टेलीविजन, टेलीविजन से पहले होगा। ऑन कोई शो आ रहा है जैसे टेलीविजन पर, तो उसके लिए हम ऑन यूज करते हैं। टीवी पर 10 बजे आएगा, टीवी पर आएगा ना, तो पर के लिए हम ऑन का यूज करते हैं। ऑन अ कोल्ड डे, सर्दी के दिन में, तो सर्दी के दिन में के लिए हम यूज करेंगे ऑन अ कोल्ड डे, तो यह सर्दी के दिन पर, लेकिन सर्दी के दिन में होता है, सेंस बनता है पर। ऑन द रेडियो, रेडियो पर कोई चीज आने वाली है तो ऑन द रेडियो। ऑन द फोन, आप बात कर रहे हो तो कहोगे आई एम ऑन द फोन, ये नहीं कि आप फोन के ऊपर खड़े हो, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये इसका मतलब ये है कि आप किसी से बात कर रहे हो, ऑन द फोन। ऑन स्ट्राइक, आप हड़ताल पर हो, हड़ताल पर हो, तो इसका मतलब भी ये नहीं हो कि आप खड़े हो, ठीक है, हड़ताल यानी कि एक चीज है, एक प्रोसेस है जिसमें आप शामिल हो रहे हो, ठीक है। ऑन स्ट्राइक। ऑन लीव, आप छुट्टी पर हो। ऑन फायर, आप आग पर हो, इसका मतलब नहीं आग पर हो, इस एक फीलिंग होती है, एक सेंस ऑफ फीलिंग होती है जिसमें आप बिल्कुल जोशीले महसूस करते हो, ठीक है, ऑन फायर। ऑन अ डाइट, आप किसी डाइट पर चल रहे हो, जैसे आप कीटो डाइट पर हो तो कीटो डाइट पर चल रहे हो। ऑन हॉलीडे, छुट्टी पर हो। ऑन बिजनेस, बिजनेस पर हो। ऑन अ टूर, टूर पर हो, ट्रिप पर हो। ऑन दी वॉल, ऑन अ जर्नी। ऑन डिमांड, ऑन ड्यूटी। ऑन लोन, ऑन 15th मार्च, सॉरी। सो अगर इस तरह के शब्द आते हैं तो उनसे पहले आप ऑन का इस्तेमाल करते हैं। मैंने बिल्कुल मेन मेन उठाकर आपको दे दिए हैं, अगर आप इन्हें याद करोगे तो लगभग लगभग 90% आप यूज़ कर पाओगे, क्योंकि ये आमतौर पर जीवन में उपयोग किए जाते हैं। फ्रेजेस देखिए, ऑन द फर्स्ट फ्लोर, अगर आप फर्स्ट फ्लोर पर हो तो कहोगे आई एम ऑन द फर्स्ट फ्लोर, अगर आप सेकेंड पर हो तो कहोगे आई एम ऑन द सेकेंड फ्लोर, अगर आप ग्राउंड फ्लोर पर हो तो कहोगे आई एम ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। ऑन द लेफ्ट, ऑन द लेफ्ट। ऑन अ लिस्ट, ऑन अ फार्म। ऑन द राइट, ऑन द फ्रंट ऑफ अ लेटर। ऑन द बैक ऑफ अ पेपर। तो इस तरह की जो फ्रेजेज हैं, इनमें भी ऑन का इस्तेमाल इन फ्रेजेस से पहले किया जाता है, इन फ्रेजेस से पहले किया जाता है। तो ये थे ऑन और ऑफ के कुछ यूजेस, कुछ उपयोग, कुछ क्या सारे ही उपयोग मैंने आपको एक एक करके ग्रामेटिकल रूप से जितने भी यूज़ हो सकते थे आपको बता दिए, जिनका यूज़ रूल के मुताबिक ना हो करके वर्ड्स के मुताबिक था। मैंने आपको वर्ड्स दिए, आपको फ्रेजेस दिए, तो आशा करता हूँ कि आपको ऑफ और ऑन प्रेपोजिशन अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप सीख लोगे प्रेपोजिशन ऑन और ऑफ को बिल्कुल अच्छे से, और बोलना भी
शुरू कर दोगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक प्रेपोजिशन में ऑन और ऑफ। अब मिलेंगे प्रेपोजिशन के अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।